तुम लोगों को अभी एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है। वार्निंग क्या है? पूछो। हेलो ऑल मिस्कियंस, हाउ डू यू डू। आप लोग को याद होगा, दो दिन पहले हमने इस घर की, इस कमरे की, बेसिकली इस घर की नहीं, इस कमरे की हमने साफ सफाई की थी। और उस वक्त मैंने कुछ कपड़े निकाले थे जो कि धोना था। वो कपड़े दो दिन से ऐसे रखे हैं, अभी तक मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। इसीलिए कभी कभी मैं अपनी लाइफ में रूल बनाता हूँ कि भाई जब कुछ काम करना हो ना तभी कर लो, अगर बाद में के लिए रखेंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा बाद में हो जाता है। मुझे तभी कर लेना चाहिए था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा आलसी बना किया कि चलो ठीक है इसको कल सुबह उठ के करते हैं, और वो कल सुबह दो सुबह हो गई, अभी तक हुआ नहीं। तो अभी सबसे पहले कपड़े धो लेंगे यार, यही जिंदगी है अपनी। जिस तरह से एक व्लॉगर की जिंदगी में एडिटिंग कभी खत्म नहीं होगा ना, उसी तरह से इंसानों की जिंदगी में कपड़े धोना कभी खत्म नहीं होगा। कितने भी अमीर हो जाएं, कपड़े तो धोना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर क्या कपड़े बदलते रहेंगे क्या? हैं? क्या बोलती लैला? क्या बोलता शफीक? कुछ भी नहीं बोलता है। मजनू? अरे मजनू एकदम वो शिपली की तरह, वो कौन सा रे, वो कौन सा एक? अरे वो एक होता ना, एक कोई तो कीड़ा होता है जो ऐसे छूने में पूरा ऐसे गोल गोल हो जाता है। क्या बोलते उसको? लिल्ली घोड़ी। लिल्ली घोड़ी? हाँ, हर हर कदम पे ना पैर रहते वो वाला बोल रहा है। सर्च कर लिल्ली घोड़ी। नहीं, बोल रहा ना तू? हाँ, ये वाला। इसका क्या नाम है? ऐसे इनको छुएंगे तो ऐसे गोल बन जाते हैं। ये पैसा कीड़ा, ये अपना कीड़ा, ये अपना बिल्ला कीड़ा। मैंने सारे कपड़े और जो भी बेडशीट वेडशीट था सब इसके अंदर रख दिए थे। लेला उधर मेरा कैमरा है, लेला इधर आ जाओ। तुम कैमरे के बीच में कैसे आ जाओगे? ऐसे करके कुछ दिखाओ, करते हुए दिखाओ, थोड़ा कैमरे में कॉन्टेंट दो। पहले बेडशीट डाल देते हैं। कपड़े धोते धोते हम लोगों ने पास्ट में कुछ गलती की थी जिसका भुगतान हमने कम से कम दो चार बार भर चुके हैं। वो ये कि जब हम वॉशिंग मशीन चालू करते हैं तो ये जो पाइप होता है, इस पाइप को हमें बाथरूम के अंदर छोड़ना पड़ता है। तेरे से कितनी बार गलती हुई है ये? एक बार। ए, 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 मेरी गलती। अरे मेरी गलती एक बार हुई है। और मैंने तो नहीं किया है, मेरे से तो नहीं हुआ है। यहाँ पर कपड़े मैं धोता हूँ या तू धोता है, और ये जो भी तीन चार बार हुआ है ना वो तेरी वजह से हुआ है। एक बार तो मान ले फिर। कैसे मानू मैं, हुआ ही नहीं मेरे से। एक बार मान ले। मानू क्यों, जब हुआ ही नहीं है। मान ले ना, एक बार मान ले। तीन बार मेरा, एक बार तेरा। मैं मानूंगा ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तीन बार तेरा, एक बार मेरा। ये इतना प्यार से बोल रहे, चल मान लेता हूँ मैं, एक बार मैंने किया। खाना की आवाज सुनने के बाद मजनू की स्पीड देखना है क्या? रुक जाएंगे ना, उधर मजनू आवाज कर। जब से हमने कारपेट लगाया है तब से जब मजनू भाग के आता है ना तो बहुत स्लिप करता है, और जब ये ज्यादा भूखा रहता है ना खाने की आवाज सुन के इतना भागता है, वो यहाँ से स्लिप करता हुआ ऐसे जाता है, स्किट करते हुए। वो हीरो माफिया। इसको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए, ना प्यार, ना लाड़, ना मोहब्बत। ओनली खाना मुझे दे दो, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। खाना और सोना, बस। और कुछ बच गया? हाँ, बच्चे पैदा करना। अभी मैं जा रहा था अपना म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए इस व्लॉग के लिए, और ये वाला फीचर है ना मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा था। ये वाला चीज जो है ना मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। ये है एपिडेमिक साउंड, जहां से मैं अपना म्यूजिक डाउनलोड करता हूँ। हर महीने का मेरा पेड सब्सक्रिप्शन है एपिडेमिक साउंड के साथ में। अब ये वाला जो फीचर आप देख रहे हैं, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन एमएसके व्लॉग्स। एमएसके व्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं सोच रहा था कि यार मेरे यूट्यूब चैनल से कैसे मेरे को म्यूजिक रिकमेंड करके ये दिखा रहा है। थोड़ा जब रिसर्च किया तो पता चला कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर मुझे म्यूजिक रिकमेंड हो रहा है, जो कि ये फीचर पहले नहीं था। और अभी मेरा व्लॉग का मैंने फॉर्मेट ऐसा बनाया ना कि सारा चीज मेरा फटाफट होना चाहिए, और ये फीचर ना बहुत हेल्प कर रहा है मेरे को। दूसरे रिकमेंडेशन में लिखा है रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर मोस्ट रिसेंट डाउनलोड्स। अभी तक एपिडेमिक साउंड में मैंने जितने भी म्यूजिक डाउनलोड किए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर पांच गाने रिकमेंडेशन पे दिखाते हैं। मेरे ना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपिडेमिक साउंड का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वो जो लिंक है एक्चुअली वो एफिलिएट लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करके एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें से कुछ कमीशन मुझे मिलता है। जब मैं यूट्यूब नया नया ज्वाइन किया था ना उस टाइम पे मेरे को ना जहां पर भी दिखता था नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक मैं उठा लेता था और अपने ब्लॉग में यूज कर लेता था। मैंने लद्दाख वाले अपने सीरीज में, पहला जो लद्दाख सीरीज था उसमें मैंने काफी सारे म्यूजिक यूज किए थे, उस टाइम पे तो वो लोग बोल रहे थे नॉन कॉपीराइटेड है। लेकिन ना अभी एक साल बाद, दो साल बाद ना मेरे को उस पर ना कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट ने पहले बोला था कि ये आप यूज कर सकते हो, वो आर्टिस्ट ने अपना जो कॉपीराइट है वो किसी और को भेज दिया, तो वो यू नो स्ट्राइक देता है। जस्ट टू बी सेफ, हमारे पास अगर कोई ऐसे साउंड लाइब्रेरी है जैसे एपिडेमिक साउंड है, वैसा कोई अगर वेबसाइट है उससे अगर सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं ना तो अपने लिए ये फायदा
फायदेमंद रहेगा इन फ्यूचर। अभी तो हमको लग रहा है कि चलो ठीक है हम फ्री में म्यूजिक यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारा इनकम बढ़ जाएगा अपने को एडसेंस से अच्छा पैसा आने लगेगा ना, तब ये बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। जैसे अभी वो कर रहा है मेरे को खटकता है अभी, क्योंकि यार मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है यार। प्राइसिंग में आके देखो, ये एक पर्सनल प्लान है जिसका $15 है, ये तो कमर्शियल है। मेरा ये वाला प्लान है पहले महीने का फ्री है, उसके अगले महीने से आपको $15 देना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये $15 जो है ना, इससे ज्यादा आप अपना एडसेंस से कमा सकते हो। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि कोई ऐसी वेबसाइट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एपिडेमिक साउंड ही करो, कोई और भी अगर वेबसाइट होगी ना वहां पर भी यू कैन सब्सक्राइब, लेकिन मेरी नजरों में एपिडेमिक साउंड अब तक का बेस्ट। सहरी का टाइम हो चुका है और कोई है नहीं, मुझे लगा कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। चाओ चिकन का सालन, क्या बात है, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। फूड एक ऐसी चीज है जो मन बदल देता है, मूड बदल देता है, मजा आ जाता है। हमारे दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होके गुजरता है। क्या सुन सुन भाई, हां एबीसीडी सुनाना है तुमको, पता है ना। बोलो हाय, कैमरा चालू था। कर लेते हैं सहरी, नहीं तो सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा। सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, भरोसे की नियत कर ले। नवई तुरु अनासुमा भगवान लिल्ला तामला निन स्वादी रमादान हाजा। पोत्री तोड़ दिया क्या? बाद में समझते हैं। हाँ, मास्क तो निकाला नहीं मैं, और भी कपड़े हैं जो अभी धोने जाएंगे, वापस आके यहाँ पर सूखेंगे। टाइम हो रहा है 5:56, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो काम मैंने, अरे गौरव जी बैठ चुके हैं, सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, मस्त यहाँ सूख रहे हैं। ये जो है ये टेम्परेरी जुगाड़ मैंने किया था, ये जुगाड़ से क्या होगा ना कि ये हमारा बेडशीट थोड़ा जल्दी सूख जाएगा, मतलब ऐसे देखने में गंदा लग रहा है लेकिन फटाफट हो जाएगा ना यार। 84.6 ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि 10 किलो का तो सिर्फ ये कैमरा है, तो कैमरा को साइड में रख के फिर से वापस एक बार करता हूँ। गौरव जी काम आ जाएंगे। 84.6 दिखा रहा था, वापस करते हैं। 83.3 रमजान जब शुरू हुआ था ना, तब मैंने अपना वेट नापा था, तब कितना था, 84 किलो का था, और अभी कितना है, 700 ग्राम कम हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं होता है, वापस एक बार करके देखता हूँ मैं। एक बार मैं डॉक्टर ट्रस्ट ठीक से दिखाता नहीं है, एक दो बार और करना पड़ेगा। हाँ मतलब उतना ही है, देख लो अभी 83.3, मतलब कि 700 ग्राम कम हुआ है हमारा। अभी मैं इफ्तारी करके आऊंगा ना, ये 700 ग्राम फुल हो जाएगा। इफ्तारी करने के बाद एक बार आके नापते हैं, देखते हैं कितना वेट है। क्या दो दिन पहले साफ किया था ना, थोड़ा अच्छे से रख लूँ, नहीं तो फिर गंदा गंदा सा दिखने लगता है। क्लीन है, चाबी लो। आओ, आओ, आओ। जंगली, ये कितना रफ एंड टफ है यार। लैला बहुत सॉफ्ट है, लैला के साथ खेलेंगे। लैला भी काटती है, लेकिन लैला को काटना लगता नहीं है। अभी खेलने का मूड नहीं है इसका। यही था जिसने बेल बजा के भागा था। क्यों भाई, कहाँ से लाते इतने चर्बी? इट्स ओके, सॉरी दिल से बोला ना, ठीक। टिमोन मेरे दोस्त, आजा बाहर। तुमको पता है टिमोन ईस्ट वेस्ट करते करते कितना किलोमीटर अभी चल चुकी है? 228 किलोमीटर। पिछले एक दो व्लॉग में मैंने आपको कहा कि जाके वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और जैसे ही 18 इयर्स अबव लोगों का वैक्सीनेशन का पोर्टल खुला, मतलब रजिस्ट्रेशन खुला, तो मतलब वेबसाइट ही हैंग हो गई, क्रैश हो गई, ऐसा न्यूज़ में बता रहा था। मतलब एक साथ में इतने लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए कि वेबसाइट ही क्रैश हो गया। फिर बाद में वो ठीक हो गया था। जब मैंने कल ट्राई किया था तब दिखा रहा था कि 18 इयर्स के ऊपर वाले लोग का अभी तक चालू नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप में। लेकिन मैं, मेरे ख्याल से सुबह सुबह ट्राई किया था मैंने कल सुबह, और वो चालू हुआ था आई गेस 4 बजे के बाद। थोड़ा कंफ्यूजन है, वापस एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मम्मी क्या बोल रहे थे आप, क्या बनाने गए? बोलो बोलो ना। अरे बोलो। मुकी तो उसको कर दो, मोहितो का शरबत बना ले। मोहितो खुद ही एक शरबत है, बोला मोहितो बना ले, बस मोहितो बना ले। हाँ। अरे ये मम्मी बाहर के लोग, ऐसे फॉरेनर लोग लेके आते हैं मोहितो, तो अपने इंडिया का बेस्ट है शरबत। शरबत क्या बोलने का? मोती तो शरबत बना के ला रहे जा। मोती का शरबत बना के ला जा। मोहितो का शरबत बना, नहीं मतलब मोहितो ही बना ले। मोहितो बना ले, मोहितो बना, मोहितो मोती तो।
आज बन रहा परोठा, आज तेल वाली चीज नहीं होगी, आज पराठा और इसके साथ मलाई या दही होगा। रुकावट में खेत है, मैं बाहर से तेल वाली चीज लेके आया। क्या लेके आया? ऑयली चीज लेके आया। चल जाएगा, कर लेंगे एडजस्ट, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। ओके बात क्या? पी। हाँ। आर। ना ना ना। फिर से एक बार। अरे पागल है क्या? बात लगी। ए पी सी डी एच आई। क्या मेरे क्या? नाइन। एम एन उसके बाद? एम एन। एम 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 आर एस। नाइन। कल पक्का याद करके लाओगे? पूरा पूरा एकदम। अभी तुमको याद है लेकिन एकदम फ्लो में याद नहीं है। पहले बोलो याद करोगे कि नहीं करोगे? करूंगा। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ठीक है फिर ये लो। बस इतने ही फ्रूट है? अबे तूने इतना भर भर के शॉपिंग किया था, किधर है फ्रूट सब? वो सब फ्रूट वहाँ पे दिखाओ। अरे वहाँ क्यों दिखाओ, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? वहाँ देखो कच्चा है। वहाँ नहीं देखना, इधर देखना है मेरे को। यहाँ मैंगो कटेगा, ये मैंगो कटेगा, सब में बटेगा और जो बाकी बचा हुआ है पाइनएप्पल देखना है उधर, पाइनएप्पल और पपाया सब उसके नीचे है। अरे उसके नीचे होने से क्या होगा, इधर आना चाहिए ना, इधर आएगा तो पेट में आएगा। अभी कच्चा नहीं खिला सकता ना मैं। कच्चा था क्या वो? हाँ देखो पीछे। फिर अगर कच्चा है तो फिर ठीक है, हाथ में ले सकते हो, पीछे हाथ डालो। हाथ में आ गया रे, ये कच्चा है, ये तो पक गया। थोड़ा कच्चा देख, मम्मी बोल, मम्मी पक गया था ना कलर पे, मैं कलर पक गया था। ऐसा तो पपैया भी पक गया, देखो उठा उसके बाद में पपैया तो लाल, ये भी पक गया। तो फिर काटा क्यों नहीं? पक गया लग रहा है ना। हाँ लग रहा है, पता नहीं है। जो चावल में रखे थे वो नहीं पका, जो बाहर था वो चावल वाला ज्यादा ना पक जाते। तू पैसा बचा था समझ में आता है यार, फ्रूट मत बचा यार। सब पैसा बचा, समझाओ तुम्हारे बेटे को। और तुमने अभी एक सेंटेंस बोला था, मैंने कैमरा कट कर दिया, वो थोड़ा क्या बोले थे बताओ ना। तुमने बोला था ना मेरा छोटा बेटा ऐसा है, बड़ा बेटा थोड़ा सा कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में, ऐसा दिलदार बोल रहे थे। बोलो वापस एक बार। छोटा बेटा पैसा का बचाने के चक्कर में पड़ा है, बड़ा बेटा बटने के चक्कर में पड़ा है, दिलदार हो गया बचाने के चक्कर में, बचा रहे कैमरे के सामने वैसा हो जाता है। ये क्या लग रहा है? ये डॉल्फिन लग रहा है, डॉल्फिन। यस सही पकड़े। यहाँ पे इसकी आंख है, ये मुंह। टाइम नहीं है, तुम काटो। डॉल्फिन सही में डॉल्फिन दिख रहा है। सलीम आप भी फ्रूट काट लिया करो कभी कभी। हाँ तो काट तो रहा हूँ मम्मी मैं। अच्छे से काटो, फर्स्ट टाइम रमजान महीने में फर्स्ट टाइम फ्रूट काट रहे सलीम। ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था काटता है। हाँ मतलब सच्चाई ये है कि फर्स्ट टाइम काट रहा हूँ फ्रूट जब से रमजान शुरू हुआ है। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। रेडी जरा देखें, फ्रूट्स है, ये है दही बड़ा, ये एक्चुअली घर पे नहीं बनाए, बाहर से लाए, वहाँ पर भी ये बाहर से लाए। क्या लाया इसमें? चिकन कुछ तो बोलते हैं इसको, शाही चिकन, शाही चिकन, शाही रोल है, चिकन वो चपटा चपटा चिकन। चलो फिर ठीक है, रोजा खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। आज भी पराठा बच गया, आज गौरव जी हैं हमारे बैट्समैन आ गए फिर भी पराठा बच गया। चलो कोई नहीं, रात को खा लेंगे ना। बाय 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 बाय। 555 का डाल दीजिए ना। 96.77 रुपीज लीटर। आप लोगों को याद होगा जब ये मैंने गाड़ी लिया था उसके बाद एक ऑफ रोड ट्रेल के लिए मैं गया था मनूरी में, उस दिन मैंने पेट्रोल भराया था, उसके बाद मैं अभी पेट्रोल भरा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खासा माइलेज है बाइक का, ऐसे टाइम पे जब पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी बाइक मस्त। क्या देख रहे थे? ओहो बच्चे लोग इनके चलने लग गए, बाहर आने लग गए। हैप्पी फैमिली। चलो पहले हाथ धोने दो। हेलो क्यूटीज। चलने लग गए सारे बच्चे लोग। हेलो 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 हेलो। सुनो सुनो सुनो, दोस्ती करो दोस्ती करो। हेलो 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 हेलो। किसने हक दिया तुम्हें इतना क्यूट होने का? हाँ हाँ। तुम लोगों को अभी एक सैचुटरी वार्निंग है। वार्निंग क्या है? पूछो। लोगों को देख देख के चलना है। हाँ चलने से पहले आसमान में देख देख के नहीं चलना है, जमीन में देख के चलना है। ये लोग कभी भी किधर भी आ जाएंगे वो मैं बराबर चलता हूँ, जो बीच में आ गए तो। ये लाइट चालू रखना हमेशा ताकि दिखे इन लोग, है ना। अब वैसे भी हाँ कमजोर है, पैर के नीचे ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है ठीक है। अब देखते हैं वेट कितना है इफ्तारी करने के बाद। गौरव जी आ जाओ, क्या लगता है गौरव जी? बड़ा रहेगा भाई। कितना ग्राम? 83.3 था। हाँ मुझे लगता है 500, आधा किलो तो खाना खाया रहेगा भाई ना, आराम से। चलो देखते हैं।
शिट ये गलत है भाई, एक किलो खाना नहीं 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 एक किलो खाना कैसे हो सकता है बाबू, ये गलत दिख रहा है डॉक्टर, ट्रस्ट गलत है। शिट यार अभी शिट यार, मुझे लगा कि आधा किलो 300-400 ग्राम खाना खाए रहेंगे, एक किलो पेट में खाना खा के आया हूँ। अब एक किलो खाना अगर खाओगे तो क्या मन करेगा आपका, मस्त यहाँ पर ऐसे लेटने का और सो जाने का। मिलता हूँ थोड़ी देर में एक पावर नैप के बाद, जो कि कभी होगा नहीं लेकिन फिर भी मिलता है। तो फिर आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का बटन भी दबाइए, घंटे का बटन दबाने से ऐसा होगा कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। पापा टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव लाइफ लिव योर ड्रीम। बच्चे के साथ फुटबॉल खेल रहा था, ये बच्चों को मारता है, बच्चों को मारता है।